नमस्कार, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। हमारे पीछे है संविधान, जिसके निर्माता हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और उसको चलाने वाले हमारे साथ हैं एडवोकेट सत्य प्रकाश, जो बहुजन समाज के नहीं और बहुजन समाज की बात को बहुत अच्छे से भी मंचों पे रखते हैं। सत्य प्रकाश जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू अंजय भीम। सत्य प्रकाश जी, अभी पार्लियामेंट के अंदर पहली बार मेरे नॉलेज में है, वहाँ तक पहली बार बाबा साहब के जयकारे हुए, जय भीम के नारे हुए, जय भीम के उद्घोष हुआ, तो ये नारे लगाना सही है या गलत है और क्या आपकी ओपिनियन होती है इस बारे में, वो बताएं। देखिए, ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट में पहली बार जय भीम का नारा बोला गया है। इससे पहले भी कई बार जय भीम का नारा बोला गया, लेकिन भारत के संसदीय इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि शपथ ग्रहण समारोह के अंदर पूरा का पूरा पार्लियामेंट एक मैदान जैसा लग गया था, एक अखाड़े जैसा लग गया था, जिसमें एक तरफ से जय श्री राम के नारे आ रहे थे, दूसरी तरफ से अल्लाह हू अकबर के नारे आ रहे थे, और कुछ लोगों ने हमारे ने ये कहा कि हमारे जो सांसद हैं उन सभी को जय भीम बोलना चाहिए था। लेकिन यह बात मैं मानता हूँ कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, क्योंकि हम जो वो अखाड़ा खेल रहे हैं, अगर वो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम की बात करें, जो कि हम नहीं करेंगे। अगर वो जय श्री राम का नारा जितनी जोर से लगाते हैं तो हमें ज़रूरत नहीं है जय भीम का नारा लगाने के लिए, क्योंकि जय भीम एक नारा नहीं, एक विचारधारा है। जय भीम के आधार पर संविधान चलता है, संविधानवाद बना है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कभी सपने में ये नहीं सोचा होगा कि पार्लियामेंट में जय भीम के नारे भी लगेंगे, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान को सच्चे अर्थों में लागू करवाना चाहते थे, और वो चाहते थे कि जो नारे हैं पार्लियामेंट के अंदर वो संविधान के लगें, वो संविधान के अनुच्छेद के लगें, वो संविधान के अनुच्छेदों का पालन हो। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं कि हमारे कि कुछ सांसदों ने जय भीम नहीं बोला और सबको जय भीम बोलना चाहिए था, तो ये संविधानिक प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है और हमें नहीं बोलना जय भीम, क्योंकि जय भीम पार्लियामेंट के अंदर अगर आपको बोलना है तो SC ST OBC की माइनॉरिटीज के कहां तक सही है जय श्री राम के नारे लगाना पार्लियामेंट के अंदर। देखिए, हमें उनसे कोई सरोकार नहीं है, हम उनके दिए हुए मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। रेवोल्यूशन और काउंटर रेवोल्यूशन का दौर नहीं है कि वो मुद्दे हमें देंगे। अगर वो कहेंगे कि जय श्री राम बोल लेंगे और हम जय भीम बोलेंगे तो ये हमारा मुद्दा नहीं है। जिनके औकात आज पार्लियामेंट में घुसने तक की नहीं थी, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही अंदर घुसे हैं, लेकिन हम उनसे यह अपेक्षा नहीं करते कि वो संसद में नारे लगाएं, बल्कि वो संसद में जाएं तो दलितों की, पिछड़ों की और माइनॉरिटीज़ की आवाज़ उठाएं और संविधानिक प्रक्रिया और संविधानिक जो हमारा डेवलपमेंट है उसके हिसाब से बात करें और काम करें। बहुत कम देखने में आता है कि बहुजन समाज के दलित शोषित वंचित समाज से जाते हैं वो नेता, अपनी बातों को जब जाते हैं तो वादे बहुत सारे करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे उस समाज के लिए जो सोशल वंचित और पिछड़ा समाज है, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद वो सब भूल जाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, पूना पैक्ट का कुछ ना कुछ परिणाम तो आज आपको देखने को मिल ही रहा है। जो पूना पैक्ट का परिणाम है और जो साहब काशीराम जी के चमचा युग का परिणाम है, ये सब चीज़ें उसी के परिणाम है। अगर हम उस वक्त संवैधानिक प्रक्रिया के अंदर अगर ये 340-341 के जो प्रावधान है हम चाहते हैं कि खत्म हो, शुरू में जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी जो 340-341 के अंदर जो रिजर्वेशन रखा था वो मात्र 10 साल के लिए रखा था, वो हमेशा के लिए नहीं था, लेकिन इन्होंने 2020 तक ये बढ़ा के ये हमेशा के लिए ये जो हमारे गले में लटका दिए लोग हैं जिनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है, हमें ऐसे लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए। हमें चाहे जो चाहिए वो हमारे मुद्दों पर बात करने वाला चाहिए, हमारे हक और हुकूक की बात करने वाला चाहिए, हमें व्यक्ति ऐसा चाहिए जो दलित पिछड़े माइनॉरिटीज SC ST OBC की सबकी आवाज संविधान के प्रावधानों के अनुसार संविधान के हिसाब से उठा सके। आज जितना भी सोशल वंचित समाज है जिसे बहुजन समाज कहते हैं, वो सारे उम्मीद रखते हैं कि हमारा नेता जाएगा तो संसद के अंदर हमारी आवाज़ को उठाएगा, कहीं वो आवाज़ को नहीं उठाते हैं, लेकिन जनता को उनसे फिर भी उम्मीद लगी रहती है और फिर भी वोट देती है। हमारे चैनल से बात करी आपने, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू जय भीम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।